टुकड़ों में जी रहे तुम जो मिले। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नीरू, मैं बताने वाला हूँ कि बिंग इमेज क्रिएटर ऐप कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि सैड बॉय या सैड गर्ल वाली फोटो कैसे बनाई जाती है। इस समय बहुत से लड़कों का, बहुत से लड़कियों का दिल टूट रहा है, तो उसके लिए ये अलग से एक प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिंग इमेज क्रिएटर ऐप डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप क्रोम से बनाना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट है, वहां पे आप सर्च करेंगे क्रोम में, वहां से भी बना सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी चार्ज नहीं लगेगा। एक दिन में लगभग आप 15 प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, 15 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। एक ही प्रॉम्प्ट को आप 15 बार यूज कर सकते हैं या फिर 15 प्रॉम्प्ट को 15 बार यूज कर सकते हैं, एक बार एक दिन में 15। ठीक है, तो इसको चलते हैं, बताते हैं कि इसमें बनाना कैसे है। जो भी मैं इसमें प्रॉम्प्ट यूज करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिए, स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए कि कैसे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप बीच में मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने चेंजेस यहाँ पे कैसे किए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फटाफट बताते हैं इसको बनाना कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले चलते हैं अपने बिंग ऐप में। बिंग ऐप में आने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। सबसे पहले हमको इमेज क्रिएटर पर क्लिक करना है। इमेज क्रिएटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज आएगा। ठीक है, नया पेज आएगा तो उसमें हमको जॉइन एंड क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जॉइन एंड क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम फिर से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हमको यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, तो हमने पहले से ही कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करते हैं हम, तो हमारे पास ये जो हमने प्रॉम्प्ट यूज़ किया हुआ है तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी जो फोटो है वो जनरेट होने लगती है। ठीक है, कुछ ही सेकंड में हमारी जो फोटो है वो जनरेट होकर आ जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा 5-6 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है फोटो। तो सबसे पहले हमको फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया है फोटो। तो यहाँ पे नेक्स्ट इस फोटो को ये देखिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बॉय का बनाना चाहते हैं तो बॉय का भी बना सकते हैं, आसानी से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे जो गर्ल लिखा हुआ है, ठीक है, गर्ल लिखा हुआ है तो यहाँ पे बॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बॉय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉय लिख देंगे। उसके बाद वियरिंग रेड लहंगा यहाँ पे आए तो रेड रहने देंगे। यहाँ पे लहंगा हटा के हम क्या लिख देंगे कि शर्ट पैंट। ठीक है, शर्ट पैंट लिख देंगे। उसके बाद और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद फिर से हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारी फ़ोटो जनरेट होने लगेगी। जनरेट होने में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सेकंड लगते हैं। उसके बाद जो हमने लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट उसी के अकॉर्डिंग हमारी फ़ोटो आती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग कैसी फ़ोटो आती है। जो भी फ़ोटो आएगी ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है। तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी फ़ोटो आ गई है साइड वाली, ये देखिए। तो ये जो इसमें हम प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। सो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। इसी तरीके की और भी वीडियो मेरी आई हुई है पहले भी, वहां पे आप जाके प्रॉम्प्ट देखकर अच्छे खासे फोटो को जनरेट कर सकते हैं और भी फोटो आने वाली है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी वीडियो के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन बनाकर हम आप तक पहुँचा सकें। और किसी भी आप नए फोटो को जनरेट करना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट में कमेंट कर दें। ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर एक नए तरीके से नई थोड़ा सा कुछ प्रॉम्प्ट लाएं ताकि आप उसको भी जनरेट कर सकें। थैंक यू।